हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो एज यू ऑल नो, आज हम बात करने वाले हैं मेरे क्वारंटीन एक्सपीरियंस के बारे में, डे 8 कोविड टेस्ट के बारे में, पूरा क्या प्रोसेस रहता है, कैसे कोविड का डे 8 टेस्ट होता है और कैसा ये खाना प्रोवाइड कराते हैं स्पेशली उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन है। सो स्टे विद मी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं क्वारंटीन में फूड के बारे में। तो अगर आपका फूड इंक्लूड होगा होटल में तो आपको ये लोग 3 बार खाना प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले ब्रेकफास्ट, देन लंच, देन डिनर। मैं जो हूँ मैं वेजिटेरियन हूँ, बट मोस्टली जो ब्रेकफास्ट है वो सबके लिए सेम ही होता है। ब्रेकफास्ट में इंक्लूड होता है एक ब्रेड, बन भी कह सकते हो, उसके अलावा बटर, उसके अलावा कोई भी एक फ्रूट और फ्रूट का जूस। देन उसमें एक स्वीट इंक्लूड रहती है, जैसे कि कुकी मान लीजिए या फिर पुडिंग मान लीजिए। इसके अलावा ब्लैक कॉफी, मिल्क पाउडर और शुगर के पैकेट। जो ब्रेकफास्ट ये लोग मुझे प्रोवाइड करवा देते हैं सुबह 7:30 के बाद और 9 से पहले। उसके बाद हम सेकंड मील की बात करते हैं जो है लंच। तो लंच में इन्होंने मुझे डेली चावल ही दिए, कभी राजमा चावल, कभी छोले चावल, कभी आलू गोभी की सब्जी के साथ चावल। क्वांटिटी के आइडिया के लिए मैं आपके साथ एक फोटो शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिए कितनी क्वांटिटी ये लोग देते थे लंच में। बाकी कटलरी ये लोग हर मील के साथ प्रोवाइड करते थे, कभी फॉक प्रोवाइड करते थे, कभी स्पून प्रोवाइड करते थे, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड मील की जो है डिनर। तो यार डिनर का है ना बहुत पंगा है, अगर आप वेजिटेरियन हो ना तो सच में बहुत पंगा। मतलब कभी ये बर्गर ले आते हैं, कभी ये पास्ता ले आते हैं, कभी रोटी भी दे देते हैं, पर उनकी रोटी भी मैदा की तरह होती है, ऐसा लगता है जैसे कि भटूरे खा रहे हैं। मतलब यार डिनर में पास्ता और बर्गर कोई खाने की चीज है। एनीवेज खाने का तो बस यही था। बाकी मेरा एक सजेशन है कि आप लोग अपने साथ मैगी के पैकेट जरूर कैरी करें अगर आपको क्वारंटीन करने की जरूरत पड़ रही है। भगवान ना करे कि आपको जरूरत पड़े, बट अगर आपको क्वारंटीन करने की जरूरत पड़ रही है तो रेडी टू ईट वाले पैकेट्स और मैगी के पैकेट अपने साथ कैरी करें, 2 से 3 पैकेट। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाउसकीपिंग की और रूम की। तो रूम जो है वो काफी स्पेशियस है, 2 बेड है, मैं एक ही यूज करता हूँ, 2 बेड यूज करके करूंगा क्या। और बाकी ये डेस्क है मेरे पीछे, इन्होंने रूम में माइक्रोवेव, कॉफी मेकर और आयरन भी प्रोवाइड करी है अगर आपको जरूरत पड़े तो। इसके अलावा इन्होंने मुझे बाथरूम में 3 बाथ टॉवल्स प्रोवाइड करी है, बिकॉज इनका कहना था कि आप क्वारंटीन में है तो 14 दिन तक कोई भी आपसे कॉन्टेक्ट नहीं रखेगा। बिकॉज इनका कहना था कि 14 डेज तक आपसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखेगा क्योंकि आप क्वारंटीन में है। अगर आपको हाउस कीपिंग भी करानी हो, अगर आपको अपने गद्दे के ऊपर से चादर भी चेंज करना हो तो हम आपके रूम के बाहर छोड़ जाएंगे, आपको खुद करना पड़ेगा, वैक्यूम भी आपको खुद करना पड़ेगा फर्श पे। तो मैंने बोला यार रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं तो ऐसे ही रह लूंगा 14 दिन। और कोई गंदा वगैरह होता नहीं है यार, क्योंकि आप कहीं बाहर जाते नहीं हो, सिर्फ रूम ही रूम में, तो 14 दिन तक आप कहाँ तक गंदा कर लोगे। बाकी कॉफी और शुगर के वो इतने सारे पाउच देके जाते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम में कि आपको वो दिन भर के लिए चल जाएंगे। 3-4 बार अगर आप कॉफी बनाते हैं तो भी सफाई से आपके लिए। अब लास्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं मेरे 8 डे कोविड टेस्ट की। सो 8 डे कोविड टेस्ट से पहले मेरा जो सबसे पहला टेस्ट है वो 27 सितंबर को मॉन्ट्रियल पे ही हुआ था। और यार इनके टेस्ट की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, इंडिया और मालदीव की तरह ये टेस्टिंग किट को यहाँ तक नहीं डालते हैं, सिर्फ यहाँ तक ही रखते हैं और हल्का सा घुमाते हैं और बस हो गया टेस्ट। इंडिया में तो यहाँ तक डाल के इंसान की आंखों में से आंसू निकलवा देते हैं। तो फर्स्ट डे को मेरा कोविड टेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे किट दिया, किट पे एक रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ था, उस लिंक पे जाके आपको अपने टेस्ट को रजिस्टर कराना है 8th डे वाले को। तो जो मेरी फर्स्ट डे की रिपोर्ट है वो मुझे नेक्स्ट डे ईमेल पे आ गई थी। देन जब 8th डे को मेरा कोविड टेस्ट हुआ, मैंने अपना सारा सेटअप करा, उसमें लिखा हुआ था, उसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कैसे आपको अपना सामान रखना है, कैसे क्या वेबकैम सेटअप करना है। तो मेक श्योर करें कि आपके पास मोबाइल डिवाइस या लैपटॉप डिवाइस में कैमरे का सेटअप हो। तो 8th डे वाले दिन उसी सॉफ्टवेयर पर लॉग इन करके आपको वर्चुअल अपॉइंटमेंट लेने का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप वर्चुअल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वो आपको कुछ चीजें बताएगा, जैसे कि ये चीजें आपके पास होनी चाहिए टेस्ट स्टार्ट करने से पहले। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे समझाया, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें हिंदी का भी ऑप्शन आता है, आप हिंदी में भी अपनी मीटिंग शेड्यूल करा सकते हैं। टेस्ट होने के बाद मुझे जो साथ में पैकेट मिला था उस पैकेट में पैक करके अपने डोर के बाहर रख देना था टेस्ट, उसी दिन मेरा टेस्ट पिकअप हो गया। और नेक्स्ट डे यानी कि 5th ऑफ अक्टूबर को मेरा जो टेस्ट है वो लैब में पहुंच गया। और आज यानी कि 6th ऑफ अक्टूबर को मेरी जो कोविड रिपोर्ट है वो आ चुकी है और वो नेगेटिव आई है। और फाइनली 11th ऑफ अक्टूबर को मेरा क्वारंटीन जो है वो एंड होने वाला है। अब बहुत से लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है कि अगर आपकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है तो क्या आप क्वारंटीन एंड कर सकते हैं 8 डे के बाद। तो इसका आंसर है नहीं, आप नहीं कर सकते, आपको 14 डे पूरे करने पड़ेंगे। क्लास में जाते जाते एक और बात, अगर आप स्टूडेंट है, आपकी क्लासेस चल रही है तो आपको इंटरनेट के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो होटल का वाईफाई रहता है उसकी स्पीड बहुत अच्छी रहती है, आप आराम से अपनी क्लासेस ले लेंगे, इसलिए पैनिक मत करना इंटरनेट के लिए। आप में से मोस्टली लोगों को ये बात पता होगी, फिर भी एज अ रिमाइंडर मैं बस बता रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड सिक्योर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।